बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर कॉनिक सेक्शन का जो हमने दिया था सर्कल के अबाउट सेकंड ईयर में, तो आज हम सेकंड लेक्चर में उसको मज़ीद आगे हल करेंगे। सर्कल के हवाले से हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें एच और के हमने सेंटर कहा था और रेडियस कहा था आर। अब हमने क्वेश्चन हल करने हैं। अगर देखें क्वेश्चन में मुझे एच की वैल्यू और के की वैल्यू यानी सेंटर दी हो और रेडियस दी हो, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल वन है कि सेंटर दिया माइनस थ्री फाइव सेंटर है और रेडियस है सेवन। अब देखें जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाले जिसमें सेंटर भी दिया और रेडियस भी वीडियो, तो हमको हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करते हैं सेंटर से। सेंटर होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एच होता है तो एच की वैल्यू माइनस थ्री, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है तो के की वैल्यू फाइव और रेडियस आर होता है आर सेवन। सिंपल सी बात है, एच भी पता है, के भी पता है और आर भी पता है, सारे इसमें पुट कर दें तो बनेगा एक्स माइनस एच की जगह माइनस थ्री इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू फाइव इसका स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू सेवन इसका भी स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन स्क्वायर 49। माइनस माइनस प्लस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी, फॉर्मूला लगा इक्वल टू 49। इसको सिंपलीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर क्या आएगा नाइन प्लस सिक्स एक्स, इधर वाई स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर 25 माइनस टेन वाई माइनस 49 इक्वल टू जीरो। ये 49 प्लस क्या जब इधर आएगा तो माइनस और राइट साइड पे जीरो आएगा। तो तरसीब से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टेन वाई माइनस 15 इक्वल टू जीरो। 25 प्लस 9 34 और 49 में से 34 निकाल दो 15, ये आपके पास आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल आज का टॉपिक है कि अगर हमें सेंटर भी दिया हो और रेडियस भी दिया हो तो एक जन सर्कल कैसे निकालते हैं। ये एक पार्ट कंफर्म आता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के, राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ सर्कल या फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस थ्री फाइव एंड रेडियस इज सेवन। बहुत ही सिंपल है, सिंपल आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन पता हो, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसके लिए एच और के पता होना चाहिए, एच की वैल्यू माइनस थ्री और के की वैल्यू फाइव, एक्स कोऑर्डिनेट एच होता है सेंटर में और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होता है के, एच भी पता है माइनस थ्री के भी पता हो, रेडियस आर होता है, तीनों टर्म्स पता है एच भी के भी आर भी। सिंपल सी बात फॉर्मूले में पुट कर दें एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एच की जगह माइनस थ्री पुट करें और के की जगह फाइव, बाकी सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करें आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक्सरसाइज में करते हैं। एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन वन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर फाइव
माइनस टू और रेडियस इक्वल टू फोर। तो आपको क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं, सेंटर आपके पास एच क्या होता है, तो एच की वैल्यू फाइव, के की वैल्यू माइनस टू और रेडियस होता है आर, आर की वैल्यू फोर। इधर हेडिंग ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें कितने पुट करते हैं, एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस टू इसका स्क्वायर इक्वल टू फोर का स्क्वायर। जहाँ पे पास आपके पास एच है वहाँ पे फाइव लगा दें, जहाँ पे के है वहाँ माइनस टू पुट करें और आर की वैल्यू फोर। तो ये बने एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इक्वल टू सिक्सटीन। ओपन करते हैं स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू सिक्सटीन। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर आपके पास आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव टू टेन एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। देखिए x का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर कितना होता है, ट्वेंटी फाइव टू मल्टीप्लाई फाइव टेन एक्स, वाई स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर टू टू फोर वाई सिक्सटीन। जब इधर लेंगे इधर आगे माइनस हो जाएगा, राइट साइड का आपके पास जीरो रह जाएगा। तो तीसरे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन सिक्सटीन निकाल थर्टीन इक्वल टू जीरो इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपके पास सर्कल आ गया। दोबारा देखें इस क्वेश्चन में सेंटर दिया और रेडियस दिया है। सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट एच होता है और वाई कोऑर्डिनेट के होता है, एच की वैल्यू फाइव वाई और के की वैल्यू माइनस टू और रेडियस आर इक्वल टू फोर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आएगा, एच की वैल्यू फाइव पुट कर दें, के की वैल्यू माइनस टू पुट कर दें, ये माइनस माइनस प्लस बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। अच्छा इसमें दो टाइप है, एक अगर डायरेक्ट सेंटर और रेडियस दिए और डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर देते हैं, एक एंड्स ऑफ डायमीटर। पहले डायमीटर को पढ़ते हैं क्या होता है, सर्कल ड्रा करें। अब देखें ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी, इनको जोड़ते हैं, ये आपके पास बनती है कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब कहीं और लें, ये भी क्या है, दो पॉइंट को जोड़ने कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब एक काम, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसमें क्या करें, दो पॉइंट लें इनको आपस में जोड़ें, ये तो वो आपके पास ये भी क्या है, कॉर्ड है। लेकिन ये ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो, उसे कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो वो डायमीटर कहलाती है, और ये उसके एंड पॉइंट, डायमीटर के एंड पॉइंट। अब आपके पास देखिए, मुझे जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन ड्रा करनी हो जब भी, तो उसके लिए मुझे सेंटर चाहिए और रेडियस। अब अगर एंड ऑफ डायमीटर देता है, एंड ऑफ डायमीटर देता है ये और ये, सेंटर होता है मिड पॉइंट, इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। देखें ना, ये आपके पास डायमीटर है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट निकालेंगे, डायमीटर का जो एंड पॉइंट है ये वाला दो, अगर इसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर सेंटर से यहां तक फासला या सेंटर से यहां तक फासला वो रेडियस के इक्वल आएगा। मुझे जरूरत क्या है, मुझे सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर कैसे निकलेगा, अगर ये वाला पॉइंट दिया है और ये वाला दिया है, ये क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं, तो इसका मिड पॉइंट निकाले वो आपका सेंटर आ जाएगा। जब सेंटर आ जाएगा, सेंटर से इस पॉइंट तक फासला निकाल लें या सेंटर से इस पॉइंट, दोनों इक्वल ही आएंगे, दोनों रेडियस, तो वो रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो आप मुझे देखें, एंड्स ऑफ डायमीटर दिए हैं सी पॉइंट एंड्स ऑफ डायमीटर
माइनस थ्री टू और एंड फाइव माइनस सिक्स, ये दो तीन। अब देखें जरा एंड ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर इज अ कार्ड विद पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ये दिया है, इसको कर लेते हैं ए, आपके पास माइनस थ्री और टू, और एक ये दिया है बी फाइव और माइनस सिक्स। लेकिन मुझे एंड्स ऑफ डायमीटर कर दिया, मुझे जरूरत क्या है, मुझे सेंटर ऑफ सर्कल चाहिए और रेडियस। सबसे पहले मैंने बताया कि एंड्स ऑफ डायमीटर दी हुए हैं तो उसका जो आपके पास मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या आएगा, सेंटर। सॉल्यूशन लेट इसके नाम रख लिए ए माइनस थ्री टू एंड बी फाइव माइनस सिक्स आर एंड्स ऑफ डायमीटर। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज मिड पॉइंट, ए से लेके बी तक लेंथ है इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, उसका नाम सी रख लें और वो आता है एच और के। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट, कैसे निकालते हैं के ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लें, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट और बी का एक्स कोऑर्डिनेट आपस में प्लस करके टू पे डिवाइड कर लें, माइनस थ्री प्लस फाइव बाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट टू माइनस थ्री को आपस में प्लस करके टू पे डिवाइड कर लें, तो सी आ जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव टू बाई टू और टू माइनस सिक्स माइनस फोर बाई टू। सी आपके पास कितना आ गया, टू बाई टू वन माइनस फोर बाई टू माइनस टू। दोबारा देखें सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर क्योंकि एंड्स ऑफ डायमीटर का मिड पॉइंट आप निकाल रहे हैं ए और बी का। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट जब भी किसी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना हो तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय टू और वाई कोऑर्डिनेट आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय टू, तो वो आपके पास एक्स जो एच है वो कैसे आएगा, माइनस थ्री प्लस फाइव बाय टू और टू माइनस सिक्स बाय टू। तो ये एच की वैल्यू वही सप्लाई दैट एच इक्वल टू वन के इक्वल टू माइनस टू। अब मुझे क्या चाहिए, सेंटर मुझे मिल गए, एच भी मिल गया, के भी मिल गया। पहले जो क्वेश्चन किया हमने सेंटर भी दिया था एच के और रेडियस भी, अब इसमें हमने सेंटर निकाल लिया रेडियस, इसको मैंने नाम दिया सी, ठीक है। तो सी सेंटर है एच के, सी का ए से डिस्टेंस निकाले वो भी रेडियस, सी का बी से डिस्टेंस निकाले वो भी रेडियस, तो इसका नाम सी ए निकाल लेते हैं या सी बी। तो सी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, रेडियस आर। अब सी का ए से डिस्टेंस निकालते हैं, सी हमारे पास कितने में रफ करेंगे तो वन माइनस टू और ए कितने आपके पास माइनस थ्री और टू, इनका डिस्टेंस निकालना है, या सी का ए से निकालें या सी का बी से। तो सी ए डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में डिस्टेंस निकालेंगे माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट को आपस माइनस करते हैं, माइनस जब करेंगे तो टू माइनस माइनस टू इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, ये क्या बनेगा माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस टू फोर का डायरेक्ट लिखें, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो टू प्लस टू फोर माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन अंडर रूट थर्टी टू। आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन क्योंकि हमने आगे फॉर्मूले पुट करना है एक्स माइनस आई स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है तो उसके रूट से कट जाएगा, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप इधर राइटिंग देंगे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल इज एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें किन पुट करते हैं एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू आपके पास क्या आई है एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू थी आपके पास माइनस टू इसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस अभी आप निकाला टू थर्टी टू उसका स्क्वायर, ठीक हो। किन पुट कर रही है एच की जगह वन के की जगह माइनस टू और रेडियस की जगह थर्टी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू थर्टी टू। ये एस एक्स ब्रैकेट लिख लेते हैं क्योंकि पहले आप दो तीन पार्ट किए हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी माइनस टू एक्स, वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू टू फोर वाई
माइनस 32 इक्वल टू जीरो। यहाँ फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने डायरेक्ट सिंपलीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 प्लस 1 5, 32 में से 5 निकाले माइनस 27 इक्वल टू जीरो, ये आपके पास सर्कल आ गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, नंबर 1 अगर आपको सेंटर और रेडियस दियो हो तो इक्वेशन आप सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, जो जो पढ़े के साथ आपको पता होना चाहिए क्या क्या सेंटर और रेडियस दियो, फिर इक्वेशन कैसे निकालेंगे। नंबर 2 एंड्स ऑफ डायमीटर, तो फिर इक्वेशन आप सर्कल कैसे निकालेंगे। तो जो जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा साथ साथ बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, इन दोनों टाइप में फर्क क्या है वो भी आपको बताओ। देखिए इसमें सेंटर और रेडियस डायरेक्ट दिए हैं, इसमें एंड्स ऑफ डायमीटर दिए हैं, तो इसी टाइप में कन्वर्ट करना है, तो एंड्स ऑफ डायमीटर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर भी और रेडियस भी, तो यही टाइप बन जाएगी, ये टाइप डायरेक्ट है इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है, जिस तरह पहले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमने ड्राइव की थी, आज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने ड्राइव की थी उसमें उसके पार्ट क्वेश्चन जो हल किए हैं कि कैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर सेंटर और रेडियस दिए तो इक्वेशन आंसर को कैसे निकालते हैं। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म का आपस में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।